देखिए बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की खबर के साथ। भारत के टॉप 7 गेमर्स से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, दिलचस्प बातचीत हुई है और उस बातचीत का वीडियो आज प्रसारित होना है। सुबह 9:30 बजे इस वीडियो का प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा बीते दिनों क्रिएटर्स अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया था, जो क्रिएटर्स हैं उनको सम्मानित किया गया था और अब मुलाकात हुई है जो गेमर्स हैं उनसे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस दौरान बातचीत भी हुई है सभी से और उस बातचीत का वीडियो आज प्रसारित होना है। 9:30 बजे आज प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत की, जाना गेमिंग की दुनिया को, जाना कि आखिर कैसे इसमें जो युवा है वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप 7 गेमर्स के साथ। बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। इसका एक छोटा सा अंश क्योंकि सामने आया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन गेमर्स के साथ जब बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन युवाओं के साथ ही एक युवा हैं और बाकायदा जो ये गेमर्स थे उनके क्योंकि छोटे छोटे स्टेटमेंट सामने आए थे, उनका ये कहना था कि उनको लग ही नहीं रहा कि वो प्रधानमंत्री के सामने बैठे, उनको ऐसा लगा कि हमारे बीच का कोई युवा है, यानी कि वो इतने एनर्जेटिक महसूस करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत से वो महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। और प्रधानमंत्री की जो दिलचस्पी थी गेम्स को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जानना समझना चीज़ों को चाह रहे थे, और देखिए ये भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से अगर गेमिंग की हम बात करें तो हिंदुस्तान की बात करते तो टॉप 4 लेवल पर आता है, लेकिन अगर जो संख्या है गेमर्स की जिसमें शामिल हुए देखा जाए तो वो दूसरे तीसरे नंबर पर आता है हिंदुस्तान, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में गेमर्स हैं। ऐसे में जो गेमर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री से मिलकर हमें खुशी हुई है। ऐसे में गेमर पायल धारे ने कहा कि उन्होंने पीएम से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि उन दोनों की उम्र में इतना अंतर है। और ये वो बातचीत का हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा वीडियो अब सामने आएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेमर से बातचीत करते हुए और जो गेमिंग की वैल्यू, जो टेक्निक है और जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि आप आने वाले समय में और ज़्यादा इजाफा इसमें देखा जाएगा, यूँ कह लीजिए कि जो युवा हैं क्योंकि अब वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रधानमंत्री ने एक चीज़ का और जिक्र किया, गेमिंग और गैम्बलिंग दोनों चीजों में अंतर है और ये लोगों को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा है और ऐसे में आपको ये बता दें कि किस तरीके से कन्याकुमारी में आज रोड शो अमित शाह करेंगे। सुबह 11 बजे कन्याकुमारी में रोड शो अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। पी राधाकृष्णन के समर्थन में रोड शो अमित शाह करेंगे। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे और रोड शो किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो गृह मंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले कि अगर आप तमाम तस्वीरें देखेंगे जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, या बीजेपी की जो दिग्गज है फायर ब्रांड नेता है वो जहां जहां पर रैलियां कर रहे हैं वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, चाहे बात कश्मीर की हो या फिर बात कन्याकुमारी की हो। और आज सुबह 11 बजे कन्याकुमारी में रोड शो गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। कन्याकुमारी की जनता को साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे और ये देखना होगा कि मंच से क्या कुछ गृह मंत्री कहते हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष पर वार किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या है भारतीय जनता पार्टी का विजन और किस तरीके से आगे अगले 100 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करेगी अपने तीसरे कार्यकाल में, इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। इतना ही नहीं, जिस बात का जिक्र हर एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, यानी कि जिन चार जातियों का जिक्र किया जाता है कि हमारे लिए ये चार जातियां हैं, उनका कैसे विकास करना है, कैसे उत्थान करना है, ये पूरी तैयारी है। लेकिन आज 11 बजे का समय जब गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और देखिए इस बीच अब बात कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियों की, जिसमें सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि हुंकार भरते हुए कल नजर आए। राजस्थान के साथ साथ में उधमपुर का दौरा उनका रहा। उधमपुर की सभा में जनता से संवाद उन्होंने किया, संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ की जनता महसूस कर रही है बदलाव और विपक्ष ने हमेशा उन्हें बरगलाया है। ये आरोप विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर का उनका दौरा रहा, उधमपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। इसी के साथ में हेडलाइंस में यहाँ पर ये भी लिखा है, नॉनवेज पर मोदी बोले कि किसे खुश करना चाहते हैं। दरअसल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा वीडियो पोस्ट किया गया था उसको आड़े हाथों लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को के ऊपर निशाना यहाँ पर साधा। मोदी ने शुक्रवार को आरजेडी नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के त्योहारों के समय नॉनवेज खाने वाले वीडियो पर निशाना भी साधा यहाँ पर।
तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। एक बार फिर से यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उधमपुर में पीएम मोदी की ये जनसभा रही और इसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम है। साथ ही साथ वो 370 का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इसके रिवोक होने के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत सरकार काम करके दिखाती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे, मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, ये वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से किया। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी, विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने तेजस्वी पर हमला बोला, राहुल गांधी पर हमला बोला, जिस तरीके से साक्षी इस बात का जिक्र करी थी। तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। मेरे पास इस वक्त NBT है, फ्रंट पेज पर लिखा है कि नॉनवेज पर मोदी बोले किसे खुश करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त जो चुनावी गहमा गहमी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चली है। और प्रधानमंत्री जब जम्मू में थे तो उन्होंने इस बड़ी बात का जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने तेजस्वी को राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि नवरात्र में लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई गई। नॉनवेज खाने का वीडियो अपलोड किया, एक बड़े वर्ग को असहज किया गया, वोट बैंक के लिए लोगों को चढ़ाना चाहते हैं। पीएम इस दौरान ये भी कहते हैं कि कोई कानून आपको कुछ भी खाने से रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसे पोस्ट करके खासतौर पर नवरात्र में या फिर सावन में आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने उधमपुर के इस मंच से, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजाया याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। वही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को सनातन से बेहद नफरत है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो इंडी गठबंधन है वो मुगलिया सोच वाले हैं। पूरे विपक्ष ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। राम मंदिर के नाम से कांग्रेस को दिक्कत है, तो जमकर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहां पर नजर आए। जरा सुनिए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा।
विपक्ष ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था उसको ठुकराया। ऐसे में पीएम मोदी का विपक्ष पर यह बड़ा हमला। आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और 370 को लेकर कांग्रेस ने भ्रम बनाकर रखा था। मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर को लूटा। जम्मू कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया, क्योंकि अब वहां पर हालात बदल चुके हैं। सुनिए जरा। मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। मैं चुनौती देता हूं हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की घाटी में हुंकार भरने के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के चुनावी रण में पहुंचे और वहां पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। बाड़मेर में सभा उनके द्वारा की गई, दौसा में रोड शो उन्होंने किया, जनता से आशीर्वाद मांगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मिशन 400 पार को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 जून 400 पार का नारा एक बार फिर से दिया गया। दौसा में रोड शो की फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जनता से वोटों की अपील उनके द्वारा की गई और जनता से उनका आशीर्वाद मांगा गया। भारी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। राजस्थान से 25 सीटें आती हैं लोकसभा की, और ऐसे में इन 25 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के भी दौरे कर रहे हैं, जहां विधानसभा चुनावों में जीत का परचम उनके द्वारा लहराया गया। वहीं अब लोकसभा चुनावों से खासा उम्मीदें एक बार फिर से प्रिया। बिल्कुल, और राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। वो तस्वीरें भी आपने भारत 24 पर देखी थी। विरोधियों पर उन्होंने जमकर हमला बोला, कहा देश को शक्तिहीन बनाना चाहता है विपक्ष, संविधान का नाम लेकर फैलाते हैं झूठ। यहां से कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं और उन्हीं के पक्ष में जन समर्थन की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। और जिस तरीके का स्टेटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया कि कश्मीर से या फिर 370 से राजस्थान के लोगों का क्या लेना देना। प्रधानमंत्री जब इस मंच पर पहुंचते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान की धरती पर पहुंचना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। 25 लोकसभा की सीटें हैं और उनको साधने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी कड़ी में सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। पलक, तो वहीं देखिए, बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा भी किया और कहा कि तीसरे टर्म में रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आखिरी घर तक पानी पहुंचाने का संकल्प हमारे द्वारा लिया जा रहा है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचे, कई सारे वादे बाड़मेर की जनता से किए, साथ ही साथ विपक्ष पर भी करारा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान दिवस का विरोध किया, संविधान खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस भेदभाव की राजनीति करती है, कांग्रेस राज में तेजी से पलायन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ बीजेपी की तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए, आगे अगर मौका मिलता है तो तीसरे टर्म में क्या कुछ और प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान वासियों के लिए लेकर आएंगे उसका जिक्र किया, और साथ ही साथ कैसे कांग्रेस पर जमकर निशाना भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साधा गया। वो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद थे और कहा कि तीसरे टर्म में जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन होगा और आखिरी घर तक पानी पहुंचाने की बात भी वो करते हुए नजर आए। बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक और बात कही गई, उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि घी लुढ़क जाए
लेकिन पानी नहीं लुढ़कना चाहिए। मतलब कि अगर जो पानी उभर के आती है, जो गागर होता है, जो मटका होता है, उसमें वो नहीं गिरना चाहिए। यानी कि घी से ज़्यादा पानी की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है, ख़ास तौर पर जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं। और इसीलिए जो हर घर जल पहुँचाने का मिशन है, जो स्कीम, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि हमने इस पर काम किया, क्योंकि महिलाओं की जो दिक्कत है, परेशानी, हम समझते हैं। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और क्या कुछ कहा। कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या तर्क देते थे, ऑफिशियली बताते थे। वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे। और आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, स्कंद माता की आज पूजा की जाती है। और इस बीच उन्होंने कहा कि स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सभी उन्नति शांति के मार्ग पर बढ़ते रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा, देवी माता से यही करबद्ध प्रार्थना है। और उनके द्वारा शुभकामनाएं नवरात्रि की दी गई और साथ साथ में स्कंद माता की आज क्योंकि पूजा की जाती है। और देखिए वो पोस्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा का ये रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। और इस बीच आज क्योंकि पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा शुभकामनाएं यहाँ पर दी गई हैं और पूरे देश के लिए यहाँ पर मनोकामना भी उनके द्वारा मांगी गई। और नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की दुर्गा की पूजा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया क्रिएटर्स को अवार्ड दिया था। आपको याद होगा कि उन्होंने किस तरीके से वहां पर क्रिएटर्स का सम्मान किया था। अब उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिएटर्स से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान बातचीत के दौरान पीएम ने कुछ खेलों पर अपने हाथ भी आजमाए थे। प्रधानमंत्री ने गेमिंग के सारे गैजेट्स पहनकर गेम भी खेले और ये तस्वीरें भी अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसका एक ट्रेलर है जो कि रिलीज़ हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उनका अनुभव था इसको लेकर के पूरे एपिसोड का जिक्र वो करेंगे और साथ ही साथ वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको वहाँ पर शेयर करेंगे। ट्रेलर में पीएम मोदी गेमिंग से किस तरीके से वहाँ पर जो मास्टर्स पहुँचे थे, जो इसमें पूरी तरीके से पारंगत हैं, उनसे उन्होंने चर्चा की। इन लोगों ने पीएम मोदी को बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर बताया है। पीएम मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, इसके अलावा मिथिलेश पाटनकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता, गणेश गंगाधर से मुलाकात की थी। इस दौरान गेमिंग एक्सपर्ट ने क्या कहा वो आपको हम सुनवा देते हैं। चलिए मैं आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको ये हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये उस वक्त का है जब प्रगति मैदान में, वहाँ पर भारत मंडपम में क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। पहली मर्तबा था जब क्रिएटर्स को इस तरीके से सम्मानित किया गया इस बड़े प्लेटफॉर्म पर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमर्स से मुलाकात की है। वो गेमर्स जो कि किस तरीके से भारत में गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से एक जो मिसाल है वो पेश कर रहे हैं और कैसे जो नई पीढ़ी है उसको वो आकर्षित कर रहे हैं कि आप इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं, उन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। वैसे तो ये जो पूरा वीडियो है वो 9:30 बजे रिलीज़ होगा, लेकिन उसकी कुछ झलक है जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गेमर्स के साथ पीएम ने संवाद किया, जो अलग अलग उपकरण हैं, जो अलग अलग वहाँ पर जो गैजेट्स थे प्रधानमंत्री ने उनका भी इस्तेमाल किया और उनके साथ मिलकर के वो तमाम जो मास्टर्स थे यानी कि गेमर्स थे उनसे उन्होंने जाना कि वो कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, कैसा उनका अनुभव था। तो इसी हेडलाइन के साथ कि गेमर्स मीट गेम चेंजर्स, ये मुलाकात हुई थी। और देखिए प्रिया, क्योंकि जो कन्वर्सेशन, क्योंकि ट्रेलर जिस तरीके से सामने आया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इन गेमर्स से कि मैं भी आप ही के बीच का हूँ और ये जो मेरे सफ़ेद बाल है ना ये तो मैं कलर करवाता हूँ। यानी कि वो ये बताते हैं कि देखिए काले बाल है मेरे, अभी भी
मैं यंग हूँ ये मत समझ लेना। और बहुत ही दिलचस्प इनके बीच का एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें ये जो ठाके लगाते हुए गेमर्स हैं ये फिर हंसते हैं जोर जोर से और वो कहते हैं कि हमें लगा ही नहीं हम प्रधानमंत्री से बात करें, वैसे लगा कि इन्फ्लुएंसर आप हैं। और सोचिए कि स्ट्रैटेजी अगर हम समझे भारतीय जनता पार्टी की तो ये गेमर्स जो हैं इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तमाम ऐसे ये जो आप गेमर्स यहाँ पर बैठे करोड़ों में, हाँ, और ऐसे में आप सोचिए कि यूट्यूब पर है इनके फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर इन लोगों की बहुत अच्छी पकड़ है, तो जो इनके फॉलोअर्स हैं बीजेपी उनके साथ भी जुड़ेगी कि जाहिर सी बात है ये लोग ये कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जो लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं वो इनडायरेक्टली बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ेंगे और उनको अपना आइडियल मानेंगे, यानी कि एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में बीजेपी काम करती है। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी फैक्ट फाइल की। बैसाखी का आज त्यौहार है, सुख और समृद्धि का पर्व बैसाखी है, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब का ये महत्वपूर्ण पर्व है, सिखों के नए साल के रूप में इसको मनाया जाता है। ये त्यौहार कृषि से जुड़ा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो आज बैसाखी मनाया जा रहा है, खासतौर पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो आज के दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है, जो नई फसलें होती हैं उनकी पूजा की जाती है, खेतों से काटकर नई फसलों को लाया जाता है, पूजा अर्चना उस फसलों की जाती है और ऊपर वाले का धन्यवाद इसमें किया जाता है। सुख समृद्धि का पर्व है वैसाखी और कहा जाता है कि आज के दिन पूजा अर्चना करने से मान्यता है कि सुख समृद्धि का आगमन घर में होता है।